किसी शख्स के बारे में आपको अंदाजा करना हो तो देख लीजिए उसकी तलब दुनिया का क्या हद है और तलब उकबा का क्या है। सूरह क़यामा में अल्लाह ताला एक शिकवे के अंदाज में नौ इंसानी से कह रहे हैं, नहीं तुम्हारा असल मर्ज यह है कि तुम दुनिया आजला को पसंद करते हो, उससे मोहब्बत करते हो। यही बात सूरतुल आला में फरमाई गई, असल मर्ज तुम्हारा यह है कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, तरजीह, हालांकि आखिरत बहुत बेहतर भी है और बाकी रहने वाली है। दुनिया फानी है, चंद रोजा है, अल्लाह का एक दिन तो हजार बरस का है, आप अपनी गिनती कर दें क्या उसकी हैसियत है। कि हमारा दीन यह नहीं कहता कि दुनिया को छोड़ दो, नहीं, लेकिन तरजीह दो आखिरत को। और तुम्हारी कैफियत वो हो जानी चाहिए कि बाजार से गुजरा हूं खरीदार नहीं। इसी तरह जो बात है बड़े ही कांटे के अंदाज में कही गई है सूरह काहफ के आगाज में, ये जो कुछ जमीन पर है हमने इससे जमीन का बनाव सिंहार बना दिया है ताकि हम आजमाएं कि कौन है इनमें से बेहतर आमाल करने वाले। ये इम्तिहान है इस दुनिया की जेबाइशें आराइशें, आया आप उनके तालिब बन गए, दिन रात की मेहनत तो मुशक्कत उसी के लिए है, या यह है कि आप दर हकीकत आखिरत के तालिब हैं और ये आज की दुनिया में अपनी इंतहा को पहुंच गया। दुनिया इतनी हसीन कभी नहीं थी जितनी आज, और जाहिर बात है आदमी खींचता है फिर उसकी तरफ, तो इसलिए फरमाया बस यही इम्तिहान है। अब इसके जिम्मन में एक हदीस, ये हजरत अबुल अब्बास साहब इब्न साद असाइदी रजी अल्लाह तआला अन्हु से बरवी है, वो फरमाते हैं एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी रहनुमाई फरमाइए किसी ऐसे अमल की तरफ कि जब मैं उस पर अमल कर लूं तो अल्लाह मुझसे मोहब्बत करने लगे और लोग भी मुझसे मोहब्बत करने लगे। अब जवाब क्या है, फकाल दुनिया में जोहद इख्तियार करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी दुनिया की आसाइशों आराइशों अय्याशियों लज्जतों इनसे बचो, कम से कम जरूरतें पूरी हो रही है बस, इससे ज्यादा की हविश ना हो। सकता है कि अगर ज्यादा दे देता तो मेरे अंदर अखलाकी तौर पर जवाल आ जाता, मैं अय्याशियों बदमाशियों में मुतला हो जाता, तो मेरे लिए तो ये कम जो है यही दर हकीकत बहुत गरीबत है, इसी में आफियत है। तो दुनिया में जोक इख्तियार करोगे अगर तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। अब इसके जिम्मन में दो और हदीसें आपको सुनाता हूं, बहुत ही उमदा। हुजूर फरमाते हैं एक सहाबी जो इसके रावी है वो कहते हैं कि हुजूर ने मुझे मेरे कंधे से पकड़ा और फरमाया देखो दुनिया में ऐसे रहो गोया तुम अजनबी हो, दुनिया के अंदर दुनिया के मेयारात के एतबार से नामवर हो जाना, मशहूर हो जाना, साहिब इख्तदार हो जाना, साहिब सरवत हो जाना, ये न हो, दुनिया में रहो जैसे कि अजनबी, गोया कि ये तुम्हारा वतन नहीं है, तुम्हारा वतन तो आखरा है, तुम्हारा घर तो आखरत है, ये तो आर्जी ठिकाना है, आर्जी तौर पर तुम्हें यहां इम्तिहान के लिए भेजा गया। अल्लाह ने ये मौत और जिंदगी का सिलसिला इसीलिए बनाया है ताकि तुम्हें आजमाए कि कौन है तुम में से बेहतरीन अमल करने वाले, ये आजमाइश है। कभी अल्लाह देकर आजमाता है कि सब्र करता है कि नहीं और शुक्र करता है या नहीं, और कभी छीन कर आजमाता है कि सब्र करता है या नहीं। हर फिर शिकायत जबान पर ना आए अल्लाह की तरफ से। एक दूसरी हदीस भी सुन लीजिए, ये बड़ी प्यारी है, हुजूर ने फरमाया माली वली दुनिया, देखो मुझे तुम्हारी इस दुनिया से क्या सरोकार है। मेरी मिसाल तो उस शख्स की है एक सवार, लेकिन वो एक दरख्त के नीचे थोड़ी देर के लिए इस्तराहत के लिए उसके साये में वो इस्तराहत के लिए रुक जाता है, फिर उसके बाद वो छोड़ता है और अपनी मंजिल लेता है। जाहिर बात है कि वो आरजी कयाम था, ये उसका वतन नहीं है, ये उसका घर नहीं है, ये उसकी मंजिल नहीं है। इसी तरह ये दुनिया तुम्हारी मंजिल नहीं है, तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा वतन नहीं है। हुजूर ने फरमाया इन्नमा दुनिया खुलिकत लकुम वअंतुम खुलिकतुम लिलआखिरा, ये दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई क्योंकि इसी में तुम्हारा इम्तिहान होता है, लेकिन बहरहाल इसमें अल्लाह ने तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने की जो चीजें रखी हैं उनको इस्तेमाल करो, लेकिन यह कि इसको मतलूब और मकसूद और महबूब न बना दो। दुनिया में रहो कोई हद नहीं, कौन सी दुनिया, रहो दुनिया में। और दूसरी ये मुझे तुम्हारी दुनिया से क्या सरोकार। एक और हदीस एक साहबी फरमाते हैं कि मैं हाजिर हुआ तो मैंने देखा कि हुजूर पर अजीब कैफियत है कि आप जैसे कि अपने दोनों हाथों से किसी चीज को धक्का दे रहे हैं। मैं तो देखता रहा उसकी बात कर, जब ये कैफियत खत्म हुई मैंने पूछा हुजूर ये क्या मामला, फरमाया दुनिया एक निहायत खूबसूरत औरत की शक्ल में मेरे सामने लाई गई, अब मैं उसे धक्के दे रहा था कि मुझे तुमसे क्या करूंगा। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह के महबूब बन जाओ तो दुनिया में जोहद इख्तियार।
और अगला मामला इससे भी ज्यादा प्रैक्टिकल है। अखलाकियात के अंदर यूं समझिए ये बुलंदतरीन तालीमात में से जो चीज लोगों के हाथों में है उसमें जोर इख्तियार करो। तुमने देखा किसी को दौलतमंद है, ये न हो कि हसरत पैदा हो जाए कि दौलत मेरे पास क्यों नहीं। अगर तिरश करना हराम नहीं है, हसरत हराम है, लेकिन यह है कि अगर ये बात आ गई तो गोया कि जोहद के सिर्फ खिलाफ हो गया। ये जो एक ऊंचा रुतबा है, अगर लोग समझेंगे दौलतमंद देखे कि ये आदमी आया तो है मेरे पास लेकिन मेरी दौलत से तो इसे कोई सरोकार नहीं था, या तो आया था मुझे कोई कलमा खैर कहने के लिए लेकिन इसे मेरी दौलत से कोई सरोकार नहीं। तो अगर ऐसा होगा तो वो शख्स आपसे मोहब्बत करने लगेगा, आपका मकाम उसके निगाह में बुलंद हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको हक को समझने और फिर हक का एतराफ और ऐलान करने की तौफीक अता फरमाए, और उसके बाद यह है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि अगर कोई तकलीफ आती है, कोई मुसीबत आती है, कोई आजमाइश आती है तो अल्लाह ताला हमें उसमें साबित कदम रखे।